जय माई की। माँ धूमावती एक उग्र देवी हैं। इनके संबंध में बहुत कम तंत्र साहित्य उपलब्ध होता है। हम सभी से पूर्व के तपस्वियों ने जो भी पांडुलिपियां प्राप्त की उन्हें बड़े जतन से सहेज कर रखा, जिससे वास्तविक सत्य हम सभी तक पहुंच सके। किंतु यह भी सत्य है कि यह मार्ग केवल विशुद्ध साधकों के शोध का विषय है, और कुछ कथित साधक ऐसे भी हैं जो मनमाने ढंग से इनके स्वरूप और साधना को भयावह बनाकर, डरावना बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। वे यह अच्छी तरह से जानते हैं कि भय पैदा करके ही अच्छे व्यापार की शुरुआत की जा सकती है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए श्री धूमावती से संबंधित 5 झूठ, जिन्हें सभी भ्रम में पढ़कर सत्य मानते हैं, पर आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। धूमावती माई के संबंध में यह चर्चा सर्वाधिक फैलाई जाती है कि इनका दिन केवल शनिवार ही होता है, किंतु यह सत्य नहीं है। शनिवार से ही माई का कोई संबंध नहीं है, और ना ही कहीं भी कोई ऐसा मंदिर है जहां धूमावती माई का दर्शन केवल शनिवार को ही होता हो। अतः यह झूठ है। माई के संबंध में कुछ वाचाल कथित तांत्रिकों का ऐसा दुष्प्रचार है कि विधवा का स्वरूप होने से इनके कोई शिव ही नहीं है, किंतु यह सत्य नहीं है। धूमावती माई के शिव को अघोर शिव कहा गया है। अंग भेद से वीरेश वटुक शिव हैं, शिप्र गणपति हैं। इसी क्रम से इनकी साधना भी करना चाहिए। इस विषय पर विस्तृत चर्चा आप हमारे पिछले वीडियो श्री धूमावती तंत्रम बगलामुखी माई ही धूमावती हैं में देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ भक्तों का ऐसा मानना है कि शनिवार या किसी एक दिन यह लक्ष्मी रूप हो जाती हैं। यह भी एक भ्रम ही है। धूमावती माई लक्ष्मी की बड़ी बहन है, और यह एक उग्र स्वभाव वाली एक विशिष्ट देवी है, जिन्हें लक्ष्मी बनने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इनके कार्य और साधना भी विशेष होते हैं। अतः इस भ्रम से हमें दूर रहना चाहिए। एक अवधारणा यह भी है कि कोई भी स्त्री इनका दर्शन नहीं कर सकती। यह पूर्ण सत्य नहीं है। इनका स्वरूप विधवा का है, इसलिए विवाहित महिलाएं इनकी साधना दर्शन न करें तो अच्छा, किंतु विधवा स्त्रियां इनका दर्शन साधना अवश्य कर सकती हैं। 12 वर्ष तक की कन्या को देवी स्वरूप माना जाता, अतः साक्षात देवी पर क्या नियम लागू होगा। इसके अलावा साधना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। श्री धूमावती 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या है, अतः इनके मंदिर कई स्थानों पर हो सकते हैं। भिन्न भिन्न साधकों का इन मंदिरों की प्राचीनता के विषय में अपना अपना मत है, किंतु मेरे आधिकारिक ज्ञान के अनुसार सबसे प्राचीन माई का स्थान उज्जैन में क्षिप्रा नदी के बीच में एक छोटे से चबूतरे पर रहा है, जिन्हें लोग भूखी माई के नाम से जानते हैं। अब माई दतिया में बसती हैं। कैसे? यह परस्पर चर्चा का विषय है। तो डरिए मत, डरा तो भूतों प्रेतों से जाता है, दिव्य शक्तियों से नहीं, अपनी माँ से नहीं।
केवल वास्तविक सत्य का ज्ञान करिए, जिससे आप भ्रम भय व्यापार से बच सकें। हमारा प्रयास भी यही है कि साधना का वास्तविक सत्य आप तक पहुंचाया जाए। इस प्रयास में आप सभी के द्वारा की जा रही सराहना ही हमारा साहस है। तो देखते रहिए, दिखाते रहिए, फैलाते रहिए सत्य के इस प्रयास को। जय माता।